आप सभी का स्वागत है GTX फ्री फायर के पार्ट 5 में। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे डीजे आलोक और उसकी स्क्वाड ने क्रिमिनल्स को कितना गंदा मारा और उन्हें हराया। जीत का जश्न अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि दो नए क्रिमिनल्स हमें देखने के लिए मिले जिनका नाम ब्लैक और लाइट था। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे और इन्होंने भाई साहब डीजे आलोक और क्रोनो को बहुत गंदी तरीके से मारा और मार के दोनों को बेहोश कर दिया। अब हमें यहाँ पे लग रहा था कि ये दोनों नहीं बचेंगे, तभी जय और फ्रैंकलिन की एंट्री होती है और वो पूरे इलाके में स्मोक कर देते हैं और स्मोक करने के बाद वो लोग इन्हें बचा लेते हैं और बचा के सीक्रेट सेफ हाउस में लेके जाते हैं, जहाँ पे क्रोनो एक सीक्रेट एंसेंट वेपन के बारे में बताता है सभी लोगों को, जिसकी मदद से वो इन्हें हरा सकते हैं। तो जिन लोगों ने ये एपिसोड नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जय बेटे, तुम तो बड़े प्यासे थे, पूरा का पूरा नीचे का पानी पी गए। चलो जल्दी से उस एंसेंट इवोगन को ढूंढते हैं और जल्दी से इस रेगिस्तान से निकलते हैं। यहाँ से शायद अंदर जाने का रास्ता यही है, जल्दी चलो गाइस। गाइस ये एक पिरामिड है तो यहाँ मम्मी भी हो सकती है। ओ फैंटास्टिक, आलोक तूने बताया नहीं तेरी मम्मी भी यहाँ आई। मेरा बहुत ज्यादा बॉर्नविटा पीने का मन कर रहा है। हे जय भैया, मुझे भी बॉर्नविटा पीने का मन कर रहा है, थोड़ा सा मेरे लिए भी निकाल के लाना। अबे सालो, यहाँ मेरी मम्मी नहीं, वो असली भूत वाली मम्मी रहती है, उनके पास बॉर्नविटा पीने जाओगे ना तो तुम्हें को चूस लेंगी। चलो जल्दी पोर्टल के अंदर। आलोक तू गुस्सा क्यों हो रहा है, ये तो और भी फैंटास्टिक है, हम मम्मीज के साथ रहेंगे। तुम दोनों अपनी ये बकवास बंद करो और जल्दी से चारों तरफ देखो कि आखिर हम कहां पे आ गए इस पोर्टल से। हे आलोक भैया, ये कैसा पिरामिड है, इसके तो आर पार दिखाई दे रहा है। आलोक, मुझे तेरे पीछे कोई दिख रहा है। कैसी आवाज है भाई इसकी मम्मी की। ए मम्मी जी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा गाना लिखा है। तुम जाने जहां, तुम सबसे हसी, तुम सबसे जवान। सौंदर्य साबुन निर्मल, सौंदर्य साबुन निर्मल। अरे वाह, मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन मुझे लास्ट का तो सब नहीं जान ले, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। बताओ तुम किस लिए आए हो। हम यहाँ एक एंशिएंट वेपन की तलाश में आए हैं। लेकिन वो तुम्हें क्यों चाहिए। हमें अपनी दुनिया को बचाने के लिए उस वेपन की जरूरत है। फैंटास्टिक, हमारी स्क्वाड किसी से नहीं डरती, क्योंकि हम बॉर्नविटा में माउंटेन ड्यू मिला के पीते हैं और फ्री फायर में पूरा सर्वर खा जाते हैं, हम हर मैच बुआ करते हैं। तुम बस बताओ हमें करना क्या होगा। फैंटास्टिक, थैंक्स फॉर योर हेल्प मम्मी, चलो गाइस चलते। अच्छा वो क्रोनो, उसे तेरे साबुन के एड के बारे में पता नहीं चला, नहीं तो वो मोटा मम्मी हम सबको कच्चा चबा जाता। आज तो मैं ही जीतूंगा, मुझसे नहीं जीत सकता तू। ये ले, और खा, मेरे जैसा दिख तो सकता है लेकिन मेरी ताकत तेरे अंदर नहीं आ सकती। और खा, ये मैं पानी के अंदर खा गया, मुझे ये चार खा रही है। ओ फैंटास्टिक, तो मेरी बारी आ ही गई, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तू कैसा भी हो, बॉर्नविटा की शक्ति से मेरे अंदर ही है और मैं माउंटेन ड्यू भी पीता हूं। असली जय ही रहेगा।
नहीं नहीं, मुझे नीचे नहीं फेंकना, मुझे तैरना नहीं आता। आ, नहीं। आ, पानी बहुत ठंडा है। अच्छा हुआ मैंने इस केज को पकड़ लिया, नहीं तो वो शार्क मुझे कच्चे चबा जाती। ये पानी बहुत ठंडा है और नमकीन भी, लगता है मैंने 1 लीटर पानी पी लिया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा तू जीत का जश्न मना रहा है मुझे पीछे छोड़कर। क्लच, मुझे पानी में फेंकना, दैट वॉजंट फैंटास्टिक। लेकिन जय को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जय भैया आपने तो कमाल कर दिया, उसे तो धूल चटा दी। माँ मुझे शक्ति दे माँ। कितने गड्ढे हैं यहाँ, कोई नगर पालिका को बुलाओ और गड्ढे भरवाओ। तू मुझसे खूबसूरत कैसे है? अब तू खूबसूरत नहीं दिखेगा, सिर्फ मैं हूँ खूबसूरत। फ्रैंकलिन पीठ पे वार करता है ले। बहुत तेज मत, सर हिल गया मेरा। तू भी खा, और खा। गला छोड़ मेरा। हेडबट। ओ फ्रैंकलिन तूने तो कमाल कर दिया, मुझे पता नहीं था तू इतना खतरनाक फाइटर। जय भैया मेरे पास 2 ब्लैक बेल्ट हैं और 3 पिंक बेल्ट। फाइनल राउंड फाइट। तुम दोनों बहुत बड़बड़ करते हो, अब देखो लड़ाई कैसे की जाती है। हेलो पंच। आलोक भैया आप तो सबसे हैवी ड्राइवर निकले, मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ अपनी आंखों में। आलोक यू आर सो फैंटास्टिक मैन, आई कांट बिलीव इन माय आईज। ओ व्हाट द फक। जय बेटे हम बहुत हैवी ड्राइवर हैं। जय फ्रैंकलिन तैयार हो जाओ, हमें इस चुनौती को जीतना ही होगा। अगर हमें CR7 और वो ईवो गन वापस चाहिए तो हमें कुछ भी करके इस आखिरी चुनौती को पार करना ही होगा। जय फ्रैंकलिन यही समय है कुछ कर दिखाने का, लेट्स डू दिस गाइस। अब ये क्या बवासीर है? दोस्तों अब आर या पार की सिचुएशन है। फैंटास्टिक ये सब तो ठीक लेकिन पहले कौन जाएगा? जय भैया तुम परेशान नहीं हो, पहले मैं जाऊंगा। माँ मुझे शक्ति दे माँ, नहीं तो मेरा तंदूरी कबाब बन जाएगा। तो ये रहा तुम्हारा पहला सवाल, टोटल गेमिंग के इन गेम करेक्टर का नाम क्या है? ये तो बच्चा बच्चा जानता है, टोटल गेमिंग का इन गेम नेम अज्जू भाई है। It was at this moment that he knew he fucked up. Hey, ruko, ruko, ruko. Uska asli username hai Ajju Bhai 94. Ye sahi jawab hai. Ab tum aage badh sakte ho. Ye raha tumhara dusra sawal. Play Store mein Kareena Free Fire ke kitne downloads hai? Hey, ye to mujhe pata hai. Free Fire ke total downloads hai 300 million. Galat jawab. Hey, ye dhoka hai. Maine kuch mahino pehle hi check kiya tha. उसके 300 मिलियन ही थे डाउनलोड। नहीं अरे जय फ्रैंकलिन का तो तंदूरी कबाब बन गया, अब अगला नंबर तेरा है, ध्यान से जवाब देना। ओ फैंटास्टिक, आलोक तू परेशान नहीं हो, मैं बॉल बीटा पीता हूँ, मेरा दिमाग बहुत तेज है और इस बार मैं इसे पार करके ही आऊंगा।
फैंटास्टिक, पबजी बैन होने के बाद फ्री फायर के 500 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो गए थे। हां, यही चीज फ्रैंकलिन ने गलती कर दी। काश वो फ्री फायर खेलता। ओ फैंटास्टिक, मुझे पता था मेरा आंसर सही है। ओ आ, आ, मेरा पैर स्लिप हो गया इसमें। ओ फैंटास्टिक, मुझे पता है उसका फेवरेट कंटेंट कौन सा। नो इंटरनेट प्रैंक, क्योंकि वो अपने इंटरनेट का बिल नहीं भरता। बहुत ही ज्यादा कंजूस इंसान है। ओ फैंटास्टिक, आई जस्ट न्यू इट बिकॉज़ आई एम हिज बिगेस्ट फैन। ओ या मैन। ओ फैंटास्टिक, मुझे पता है ये सब कौन करता है। ऋतिक रोशन, बिकॉज ही इज सो कूल मैन। वो पड़ोसियों की चड्डी भी चोरी कर लेता है। ओह, ये सही आंसर था। ये कैसे बोल रहे हैं? दैट वाज अ फैंटास्टिक मैन। मैं सही हूँ। हेलो, प्लीज से मैं यस ब्रो। मैं मरने नहीं चाहता। मैं मुझे बचा लो। मैं ये लोग अच्छे नहीं। ओह शिट, जय का तो भुट्टा बन गया। हियर वी गो अगेन। मुझे ध्यान लगाने दो। मुझे उस यूट्यूबर का नाम पता है। उस यूट्यूबर का नाम है उज्जवल चौरसिया, एके टेक्नो गेमर्स। यस, मुझे पता था। उसने मेरी कई बार सुपर कार चोरी की है। मुझे ध्यान लगाने दो। मुझे इसका आंसर पता था। मैं बहुत दिनों से बेस्ट 99 की वीडियोस देख रहा हूँ। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा उसका फेवरेट बंडल कौन सा है। मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। नहीं, मुझे पता था। मैंने उसकी बहुत सारी वीडियोस देखी। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। रुको, ऐसा कठिन सवाल क्यों पूछा मम्मी। गाइस, आप में से अगर किसी को पता होगी बेस्ट 99 का फेवरेट बंडल कौन सा है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ और मेरी हेल्प करो प्लीज। आप लोगों ने कमेंट कर दिया। हाँ, मुझे याद आ गया। थैंक यू वेरी मच गाइस। बेस्ट 99 का फेवरेट बंडल है रेड क्रिमिनल। ओह यस, फाइनली मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। अब वो शक्ति हमारी हुई। अब मेरे सारे दोस्तों को मैं जिंदा कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मम्मी। अब जल्दी से जाके मुझे वो ईवो गन लेनी है और उसके बाद मुझे अपने दोस्तों को बचाना भी है और फिर हमें जाके उन रेड क्रिमिनल से अपनी दुनिया को बचाना है और फ्री फायर की दुनिया में वापस भी जाना है। फाइनली वो एंशिएंट वेपन अब हमारा हुआ। अब वो ईवो गन हमें मिलने ही वाली है। उसके बाद ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अरे मोरी मैया, और मैं आसमान की ऊंचाइयों में, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। अरे मैं जमीन में कैसे आ गया और यहाँ इतना उजाला क्यों है? ये मेरे हाथ में क्या है? ओह फाइनली वो ईवोगन मुझे मिली गई। हे आलोक, हम लोग यहाँ हैं। आलोक आलोक। ओ फैंटास्टिक आलोक, तू आ गया। आलोक हम यहाँ हैं। यहाँ पीछे देख। ओ आलोक, ओह ये गन बहुत फैंटास्टिक रही है। ओ माय गॉड, थोड़ा मुझे भी देना, मैं भी इसे होल्ड करना चाहता हूँ। आलोक भाई, ये गन तो मुझे बहुत नॉर्मल दिख रही है, इसमें इतना खास क्या है? वो सब तो मुझे भी नहीं पता, चल चेक करते हैं। ओ ये शॉट तो बहुत फैंटास्टिक थी मैन। ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव इन माय आईज। ओ तो ये है एक एंशिएंट ईवो गन की पावर। मैंने आज पहली बार इसको देखा, इतना खतरनाक। आलोक भाई, एक बार फिर से करो, मुझे यूट्यूब में वीडियो बनानी है। जिससे ये वीडियो देखकर सब लोग कमेंट में इस गन का नाम बताएंगे। ओ फैंटास्टिक आइडिया फ्रैंकलिन, इस गन के नाम के साथ साथ इस गन की एबिलिटी कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइए और लाइक भी कर दीजिएगा।
जय फ्रैंकलिन, इससे मेरे दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया है। आप में से जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो, जिससे वीडियो रेड क्रिमिनल्स तक पहुंच सके और उन्हें पता चले कि हमारे पास ईवोगन की सुपर पावर्स आ चुकी हैं और अब उन्हें हमसे कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और जितना ज्यादा हो सके लाइक करो। सो गाइस, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ये वीडियो बनाने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, मैं, मेरा भाई और एक और दोस्त हमारे साथ काम करता है, तो हम तीनों मिलके ये वीडियोस बनाते हैं। तो होप सो आप लोग को ये वीडियोस पसंद आए। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताओ आपको अच्छी लग रही है, अगर बुरी लगती है तो वो भी कमेंट करके बताओ कि आपको बुरी लग रही है, क्या बुरा लग रहा है साथ में वो भी कमेंट करना। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सायोनारा।